अपनी जमी अपनी आसमा बना लोगे अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे दिल से मेहनत करोगे तो ख्वाबों का जहाँ बना लोगे डर के रुके तो कहीं नहीं पहुँचोगे लड़के अगर चलते रहे तो उस खुदा को भी पालोगे उस खुदा को भी पालोगे नमस्कार दोस्तों हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं कन्वर्जन जिसमें बहुत सी परेशानियाँ लोगों को होती हैं लेकिन हम यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के ज़रिए बिल्कुल आसान वे में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिसिम्बल टू बैंड कैसे कन्वर्ट करते हैं यानी कि जिसका बेस टेन है और उसके बाद बेस टू में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं उसके बाद बाइंड्री से डेसिमल हम लोग चेंज करेंगे फिर उसके बाद ऑक्टल से बाइंड्री में चेंज कर रहे होंगे यानी कि जिसका बेस एट होगा और जिसका बेस टू होगा उसके बाद बाइंड्री से ऑक्टल भी चेंज कर रहे होंगे तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ में मान के चलिए हमने एक एग्जांपल लिया है फोर्टीन जिसका बेस टेन है यानी कि यह या डेसिमल में है इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में जिसका बेस कितना होगा टू होगा और इसका आंसर बताना है तो देखिए बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए मेरे पास कितना है फोर्टीन है इसमें मेथड क्या है कि आप डबल करते जाइए वन का वन का डबल टू टू का डबल फोर एट इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है और ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो हमने नंबर यूज़ किया है इसमें जोड़ कर कितना आना चाहिए फोर्टीन आना चाहिए तो आप देखिए किस किस डिजिट का यूज़ करेंगे आठ चार बारह और दो चौदह यानी कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमने आठ का यूज़ किया है चार का यूज़ किया है और दो का यूज़ किया है हमने एक का यूज़ नहीं किया है और जिस भी नंबर का हम यूज़ करते हैं जैसे हमने आठ का यूज़ किया है चार का यूज़ किया है दो का यूज़ किया है तो जिस जिस डिज़िट का हमने यूज़ किया है फ़ोर्टीन बनाने में उसके नीचे वन वन लिखते हैं और जिस भी डिजिट का हमने यूज़ नहीं किया है उसके नीचे लिखते हैं ज़ीरो ठीक है और यही इसका उत्तर हो जाता है यानी कि फोर्टीन का जो बाइंडी निकल कर आ जाएगा आपके सामने क्या निकल कर आएगा तो था वन 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 ज़ीरो इसका बाइड्री नंबर हो जाएगा और इसका सही आंसर भी है उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमने लिया है ट्वेंटी सिक्स जिसका बेस कितना है टेन है और आपको कन्वर्ट करना है बैंड्री में जिसका बेस टू होगा और इसका आंसर बताना है तो आप फिर से ध्यान से देखिए कि आपके पास कितना है ट्वेंटी सिक्स है उसी तरीके से डबल करते चले जाइए यानी कि वन टू फोर एट और हमने एक ले लिया सिक्सटीन अब देखिए अगर हमें ट्वेंटी सिक्स बनाना है तो ट्वेंटी सिक्स बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं तो देखिए हम सिक्सटीन का यूज़ कर सकते हैं उसके बाद एट का यूज़ करते हैं यानी कि ट्वेंटी फोर और टू ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा यानी कि हमने कौन कौन से डिजिट का यूज़ किया है तो आप बोलेंगे कि सिक्सटीन का एट का और टू का यानी कि जिस जिस नंबर का हमने यूज़ किया है उसके नीचे कितना लिखेंगे वन वन और वन लिख दे, लिख देंगे ठीक है और जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यानी कि फोर और वन का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और जिसका यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके नीचे ज़ीरो और ज़ीरो लिख देंगे और यही इस सवाल का उत्तर भी है यानी कि वन वन ज़ीरो वन यही इसका आंसर बन जाएगा एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए तो तीसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं गैस आपको समझाने के लिए मान के चले हमने ले लिया है 17 और सेवनटीन जिसका बेस कितना है टेन है और इसको कन्वर्ट करना है बैनरी में और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा तो देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि हमारे पास 17 है अब उसके बाद उसी मेथड का यूज़ करिए क्या हो जाएगा तो डबल करते जाना है तो वन टू फोर एट सिक्सटीन हमने ले लिया है ठीक है उसके बाद देखिए सिक्सटीन तक हमने क्यों लिया क्योंकि देखिए आठ चार बारह और दो चौदह और एक पंद्रह पंद्रह तक है जबकि हमारे पास सत्रह है इसलिए मैंने सेवनटीन तक ले लिया है ताकि आसान हो जाए अब देखिए सेवनटीन बनाने के लिए आप किसका किसका यूज़ कर सकते हैं तो आप बोलेंगे कि बहुत आसान है सिक्सटीन का और वन का हम यूज़ करेंगे और ये सेवनटीन बन जाएगा तो हमने बताया कि जिसका भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके नीचे क्या करना है वन और वन लिखना है और जिस भी डिजिट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यानी कि एट का यूज़ नहीं कर रहे हैं फोर का यूज़ नहीं कर रहे हैं टू का यूज़ नहीं कर रहे हैं अब देखिए हमने इस डिजिट का कोई भी यूज़ नहीं किया है सेवनटीन बनाने में इसलिए उसके नीचे हमने जीरो लिख दिया है और अगर आपसे मैं आंसर पूछूंगा तो आप आंसर कर सकते हैं वन जीरो 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 और वन और इसका बैंडरी कितना हो जाएगा टू इसका बेस हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर भी है चलिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिएगा ये आपके लिए है ठीक है तो चलिए कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिएगा मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा है तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 37 है जिसका बेस 10 है और इसको बैंड्री में कन्वर्ट करके बताना है कि बैंड्री में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए दूसरा है 48 है जिसका बैंड्री आपका निकालना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा एक और हम आपको देते हैं मान के चलिए हमने दे दिया है 46 जिसका बेस आपके पास 10 है और इसका सही आंसर आपको बैंड्री में बताना है क्या होगा इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है एक और प्रश्न मैं आपको दे देता हूं मैंने दे दिया है 67 जिसका बेस है आपका 10 और बताना है कि इसका बैनरी में क्या होगा चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो ऐसा हमने एक एग्जांपल ले लिया है जिसका बेस टू है यानी कि ये बाइनरी में है और कन्वर्ट किस में करना है तो आपको डेसिमल में यानी कि बेस टेन में आपको कन्वर्ट करना है और इसका सही आंसर बताना है तो देखिए बड़े ही आसानी से करेंगे पहले इसे इस डिज़िट को बाइनरी डिज़िट को दूर दूर लिख लेना है यानी कि वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो उसके बाद करेंगे क्या उसी मेथड का अप्लाई करेंगे यानी क्या करेंगे वन सबको डबल करते जाना है ना टू फोर एट और सिक्सटीन अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो जीरो वाला टर्म है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा यानी कि जीरो वाला को हम काउंट नहीं करते हैं और जो आपके पास बच गया यानी कि देखिए आपको सिक्सटीन और वन इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद देखिए वन और फोर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ आपको इसका रिजल्ट मिलेगा सिक्सटीन और इसका रिज़ल्ट मिलेगा फोर और दोनों को ही ऐड कर देना है और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा यानी कि Uh, कितना हो जाएगा ट्वेंटी और बेसिस का कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा यही आपका क्या है आंसर है चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए सपोज़ दैट हमने के एक एग्जांपल ले लिया है वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन ऐसा हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है और इसका बेस कितना हम रखा है टू रखा है यानी कि ये बाइनरी में है और इसे डेसिमल में चेंज करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा बिल्कुल सेम मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे यानी कि इसे दूर दूर दी लिख लीजिए यानी कि वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन उसके बाद करना क्या है उसके बाद आप डबल करते चले जाइए यानी कि वन टू फोर एट सिक्सटीन

ऐसे हमने कर लिया उसके बाद देखिए कि जो ज़ीरो वाला टर्म है वो आपका काउंट नहीं होगा यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन लेकिन आपके पास जो वन वाला टर्म है उसको आपस में हम ऐड करते चले जाएंगे और ऐड करने के बाद जो सही आंसर होगा वही उसका आंसर बनेगा अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपको रिज़ल्ट कितना मिल रहा है तो आपको यहाँ पर रिज़ल्ट निकल के आ रहा है सिक्सटी फोर यहाँ पर आपका आ रहा है एट और यहाँ पर आ रहा है वन अगर आप ऐड करिए तो 64 और एट सेवेंटी और 173 तो 73 का बेस टीन यही इस सवाल का उत्तर है और यही इसका सही आंसर है चलिए आपका कुछ होमवर्क है जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है तो चलिए कुछ होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए ताकि आप भी सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए चलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया आपके लिए और आपको इसका सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा सभी की तरफ से कमेंट आना चाहिए ये देखिए हमने बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने को कहा है और इसका सही आंसर आपको बताना है उसके बाद दूसरा एक और आप करिए कि वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 ये आपको करना है ये आपका बाइनरी में है और डेसिमल में चेंज करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा एक और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो 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 वन वन ये आपका है बाइनरी में और इसको आपको क्या करना है डेसिमल में चेंज करना है और आपको करेक्ट आंसर बताना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ में तो चलिए कि एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सपोज दैट आपके पास दिया हुआ है बाइनरी में और बाइनरी का डिजिट हमने लिया है वन ज़ीरो One zero. वन ज़ीरो वन हमने ये बाइनरी में ले लिया है जिसे आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में यानी कि बेस एट में आपको चेंज करना है तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि इसे पेयर बनाने की कोशिश करिए तो देखिए इसका तीन तीन का पेयर आपको बता बनाना है ये हमने तीन तीन का पेयर बना दिया लेकिन एक जो है ये पेयर नहीं है इसका तो इसकी पहले हम जीरो जीरो लगा कर इसको भी बना लेंगे तो देखिए यहाँ पर लास्ट से अगर हम बात करते हैं तो कितना बन रहा है वन ज़ीरो वन उसके बाद फिर आपके सामने क्या बन रहा है तो आपके सामने बन रहा है ज़ीरो वन जीरो ज़ीरो वन जीरो और उसके बाद वन अकेला पड़ गया है तो इसमें थ्री पेयर बनाने के लिए ज़ीरो जीरो लगा देंगे ताकि ये थ्री पेयर में बन जाए अब देखिए उसी तरीके से करते जाना है वन टू फोर फिर से वन टू फोर फिर से वन टू फोर अब देखिए जो जीरो वाला टर्म है वो क्या हो जाता है आप जानते हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ये मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो ही हो जाएगा तो ये बिल्कुल जीरो हो जाता है तो जीरो वाला को हम काउंट करते ही नहीं हैं लेकिन इसके अलावा जो आपको दिख रहा है ये ये वाला टर्म जो वन के साथ है जो वन के साथ है उसी को हम काउंट करते हैं ठीक है तो चलिए अब इसको हम करते हैं कि बनाते हैं कैसे बनेगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पर वन निकल कर आ जाएगा यहाँ पर टू और यहाँ पर फाइव यानी कि अगर हम ऑक्टल में आंसर की बात करते हैं तो वन टू फाइव का जो बेस है वो एट इसका सही आंसर होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर भी है तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो सपोज दैट हमने के एक एग्जांपल ले लिया है वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो ऐसा हमने एग्जांपल ले लिया है जो कि बाइनरी में है और इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो चलिए इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तीन तीन का आपको पेयर बना लेना है ये लीजिए तीन का हमने बना लिया है इसका भी तीन का बना लिया है और ये देखिए इसको तीन बनाने के लिए एक और ज़ीरो का जरूरत पड़ेगा तो क्या क्या बन गया वन वन ज़ीरो उसके बाद वन ज़ीरो वन और उसके बाद ज़ीरो वन तो इसके पहले जीरो लगाकर इसको हम क्या करेंगे इसको जोड़ा लगा देंगे पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद देखिए इसको हम वन टू फोर वन टू फोर बिल्कुल सेम मेथड रखना है वन टू फोर इस तरीके से करेंगे अब देखिए जो जीरो वाला टर्म है उसका कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर से आपको दो निकल कर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए पाँच और यहाँ पर एक और यहाँ पर देखिए चार और फिर यहाँ पर दो यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका दो मिल गया यहाँ पर आपका चार और एक पाँच मिल गया यहाँ पर चार और दो छः मिल गया यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा दो पाँच छः का पावर कितना पावर नहीं बल्कि बेस कह सकते हैं यही इसका क्या है सही आंसर बनेगा ठीक है चलिए तो इस तरीके से आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो चलिए दो तीन एग्जाम्पल जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है वन 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 ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ये आपका बाइनरी में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करके बताना है ऑक्टल में कमेंट बॉक्स में आंसर आपको जरूर करना है ठीक है सभी लोग करिएगा जितने लोग देख रहे हैं उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो 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 वन वन ठीक है ये आपका दिया हुआ है किसमें बाइनरी में और कन्वर्ट करना है ऑक्टल में एक और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ज़रूर दीजिएगा आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है उसके बाद नेक्स्ट है वन 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 ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ये आपको दिया हुआ है किसमें बाइनरी में और इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में ठीक है अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे और हाँ टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐट या एट द सर्च करिएगा आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल हमने लिया है तीन दो पाँच जो कि ऑक्टल में है यानी कि इसका बेस आठ है और इसको बेस दो यानी कि बैंड्री में कन्वर्ट करना है और इसको सही तरीके से सॉल्व करना है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है जो यहाँ पर डिजिट्स दिए हुए हैं इसको थोड़ा थोड़ा दूर दूर में हम लोग ऐसी तरीके से लिख लेंगे और जो मेथड हमने डेसीमल से बाइंड्री में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया था यहाँ पर थोड़ा सा अलग रहेगा थोड़ा सा चेंज रहेगा इसमें करेंगे क्या कि इस पर्टिकुलर फ़ाइव के लिए इस पर्टिकुलर दो के लिए इस पर्टिकुलर तीन के लिए क्या करेंगे देखिए पांच के लिए हम इस तरीके से डबल करते चले जाएंगे यानी कि वन टू फोर फिर से दो के लिए भी उसी तरीके से वन टू फोर और थ्री के लिए भी वन टू फोर इस तरीके से करते चले जाएंगे और थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा कि यहाँ पर पाँच बनाने के लिए हम किस किस डिजिट का यूज़ करेंगे तो आप बोलेंगे कि आप यूज़ कर सकते हैं किसका किसका यूज़ कर सकते हैं तो आप बोलेंगे कि चार का यूज़ कर सकते हैं और एक का यूज़ कर सकते हैं उसके बाद बोलिएगा कि इसमें दो बनाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे तो सिर्फ दो से ही काम चल जाएगा तीन बनाने के लिए यहाँ पर किसका किसका हम यूज़ करेंगे और दो और एक का यूज़ करेंगे इसका मतलब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिसका हमने तीन बनाने के लिए यूज़ किया है उसके नीचे वन वन लिखेंगे और जिस नंबर का हमने यूज़ नहीं किया है उसके आगे जीरो लिखेंगे देखिए दो दो सिर्फ दो का यूज़ किए हैं तो दो के नीचे वन लिखेंगे बाकी सभी के नीचे जीरो जीरो लिख देंगे अब पाँच बनाने के लिए हमने ये यूज़ किया है फोर और वन तो इसके नीचे वन और वन लिख देंगे और ये जीरो लिख देंगे यानी कि इसका बाइनरी की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा जीरो को तो कोई मतलब नहीं है तो आप कह सकते हैं वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ये इसका बाइनरी में होगा और यही इस सवाल का उत्तर भी है चलिए और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल ले, ले लेते हैं ताकि ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए जैसे हमने ने ले लिया है चार दो छः इसका बेस आठ है यानी कि ये ऑक्टल में है और इसको चेंज करना है आपको किस में तो इसको बाइनरी में आपको चेंज करना है तो देखिए उसी तरीके से उसी मेथड का हम प्रयोग करते हैं यानी कि चार दो और छः इस तरीके से थोड़ा दूर दूर हमने लिख लिया है और अब हम क्या करेंगे बस वही मेथड का प्रयोग कर रहे होंगे यानी क्या करेंगे वन टू फोर डबल करते जाना है वन टू फोर फिर उसी तरीके से वन टू फोर अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखना क्या है कि सिक्स बनाने के लिए ये वाला डिजिट बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे तो चार और दो का प्रयोग करेंगे उसके बाद दो दो से बन जाएगा चार बनाने के लिए सिर्फ चार का यूज़ करेंगे इस तरीके से जो हमने यूज़ किया है उसके नीचे वन लिखेंगे और जिस नंबर का हमने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है उसके नीचे जीरो ज़ीरो लिखेंगे यानी यहाँ भी जीरो लिखेंगे दो का प्रयोग किया है तो दो के नीचे वन लिखेंगे बाकी क्या लिखेंगे जिसका हमने प्रयोग नहीं किया है जीरो लिखेंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या हो जाएगा बताइए वन डबल जीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो यही इसका बाइनरी डिजिट है और इस प्रश्न का सही उत्तर भी है ठीक है चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए उसके बाद आपको मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा मान के चलिए हमने ले लिया है एक सात पाँच इस तरीके से हमने ले लिया है ये ऑक्टल में है ठीक है और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में क्या करना होगा बिल्कुल सेम मेथड का प्रयोग करिए यानी कि एक सात पाँच को थोड़ा थोड़ा दूर में आप इस तरीके से लिख लीजिए और डबल करते चले जाइए ठीक है वन टू फोर वन two four or one two four इस तरीके से हमने लिख लिया है और उसके बाद करेंगे क्या उसके बाद करना है कि ये देखिए पाँच बनाने के लिए हम किसका किसका प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर हो सकता है कि आप चार का यूज़ करेंगे और एक का यूज़ करेंगे सात बनाने के लिए चार दो छः यानी कि दो का भी प्रयोग करेंगे चार का भी प्रयोग करेंगे और एक का भी यूज़ करेंगे और एक तो सिर्फ एक से ही बन जाएगा तो देखिए जिसका हमने प्रयोग नहीं किया है उसके नीचे क्या लिख देना है उसके नीचे लिख देना है ज़ीरो और जिसका हमने प्रयोग किया है उसके नीचे वन वन लिख देना है तो वन 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 तीनों का हमने प्रयोग किया है यहाँ पर इसका प्रयोग किया है इन दोनों का प्रयोग नहीं किया है तो क्या करेंगे इस तरीके से जीरो लिख देंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा यानी कि आप कह सकते हैं कि वन 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 फिर वन जीरो वन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और यही इस बैंड्री का सही उत्तर है अब चलिए आपको कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है जो सिर्फ आपके लिए है तो चलिए पहला प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है ठीक है पहला प्रश्न का उत्तर दूसरा और तीसरा यानी कि तीन प्रश्न का उत्तर आपको देना है मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर और इसका सही आंसर आपको बताना है बताइएगा सात दो एक ये आपका ऑक्टल में है इसको आपको बाइंड्री में चेंज करके और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है उसके बाद हमने एक इस तरीके से हमने ले लिया है आठ इसका यानी कि ऑक्टल में है इसको बाइंड्री में चेंज करना है और एक लास्ट जिसका आपको आंसर देना है एक सात सात छः ऐसा आपका ऑक्टल में है और इसको आपको बाइंड्री में आंसर देना है और गैस अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिए सर्च करेगा एट द रेट हैप्पी स्टडी जोन या एट द रेट स्टडी विथ रामानंद आप वहाँ से संपर्क कर पाएंगे और आप वहाँ से सारे के सारे पी ले पाएंगे अगर आपको सेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जय हिंद